हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, मेरे पास थर्ड पार्ट दिया गया है जहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स है, 336 एंड 54, और हमें इन दो नंबर्स के लिए ये अबव रिलेशन जो है वेरीफाई करा के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम और एससीएफ फाइंड आउट करेंगे कैसे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम 336 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 336। तो हम 336 को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट 6 एंड दिस इज 8, राइट। इस 168 को भी हम 2 से डिवाइड करा सकते हैं, दिस इज 84, एंड 84 को भी हम 2 से डिवाइड करा सकते हैं, 42, एंड इस 42 को हम 2 से डिवाइड करा सकते हैं, दिस इज 21, एंड 21 को हम 3 से डिवाइड करा सकते हैं, दिस इज 7 टाइम्स, एंड 7 इज अ प्राइम नंबर सो इट गोज फॉर 1 टाइम, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर व्हिच इज व्हाट, 54। सो अगेन दिस नंबर इज द इवन नंबर सो इट विल बी गोज बाय 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, and this is what 7, and this time by 3, 3 9s are 27, and this is what 3 3s are, and 3 1s are, right। तो अब इन्हीं नंबर्स को सबसे पहले हम इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, राइट। नाउ इसको हम पावर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2 raised to the power 4 into 3 into 7, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड नंबर विच इज वॉट, 54। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3 into 3, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 3, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससीएफ की। तो एससीएफ क्या होता है, एससीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एससीएफ ऑफ द गिवन टू नंबर्स। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो इनमें जो कॉमन चीज है वो क्या है, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं भाई। और यहाँ पे क्या है, देखिए 3 क्यूब है और यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे जो 3 का जो कॉमन फैक्टर है दिस इज व्हाट 3, और 7 तो कोई यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं 54 में, तो 2 cross 3 विल बी द रिक्वायर्ड एससीएफ व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 6, राइट। नाउ कम टू द एलसीएम। एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लाइक 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 लिखा है, तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, जो पावर मैक्सिमम वाला होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे, दिस इज 2 raised to the power 4। अब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में मैक्सिमम कौन सा है, 3 की पावर 3, और 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, आई गेस आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 3024, दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। तो अब हमें ये अबव रिलेशन वेरीफाई करा के दिखाना है, तो एससीएफ इनटू एलसीएम दिस इज व्हाट 6 into 3024, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, आई गेट माय आंसर इज व्हाट 1844, राइट। और जब इन गिवन टू नंबर्स का भी हम प्रोडक्ट करेंगे, वो क्या है अपने पास, 336 into 54, तो इनका प्रोडक्ट भी अपने पास क्या आएगा, दिस इज 1844। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इनका एससीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन दो गिवन नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं अपने आंसर को कंक्लूड कर सकता हूँ, हेंस हेंस द गिवन रिलेशन इज वेरीफाइड। ओके, सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू।